हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवी एंड वेलकम टू माय नॉलेज एंड किचन। आज हम लोग पुरी जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग में से एक भोग बनाएंगे जिसका नाम है बेसरा। बेसिकली मंदिर में इसको मिट्टी के बर्तन से बनाया जाता है, पर घर में इसको कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसरा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। घी हमारा गर्म होते ही हम ये पेस्ट को डाल देंगे। ये पेस्ट को मैंने 1 स्पून सरसों, 1/2 स्पून क्यूमिन सीड्स यानी जीरा और थोड़े से अदरक को आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था और इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया था। फिर इसको 30 सेकेंड के लिए हम स्टर करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे परवल, मूली, अरबी यानी सारू, कद्दू, बीन्स, कंटोला यानी कंकड़ो, कच्चा केला। इसको मैंने आधे घंटे के लिए हल्दी पानी में भिगो के रख दिया था, इसको भी डाल देंगे। फिर सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। फिर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे या फिर पानी उतना ही डालें जिससे कि सब्जी हमारा थोड़ा सा डूब के रहे। फिर इसको 5 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद अभी हम कवर निकाल देंगे। यहाँ पे सब्जी जो है हमारा लगभग कुक हो चुका है, तो इस स्टेज में हम 2 स्पून ग्रेटेड नारियल डाल देंगे और 2 टेबलस्पून जैगरी यानी कि गुड़ डाल देंगे। सारे चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसको कवर करके हम 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम कवर निकाल देंगे और यहाँ पे हम फ्राइड बड़ी ऐड करेंगे। जब बड़ी ऐड करें तो ध्यान रहे सब्जी हमारा ज़्यादा सूखा ना रहे, नहीं तो बड़ी डालने से और भी सब्जी सूखा हो जाता है। तो अभी हम इसको एक साइड पे रख देते हैं और इसमें एक तड़का देने के लिए एक छोटा सा पैन लेते हैं। फिर इसमें 1 स्पून घी ऐड करते हैं। घी हमारा गर्म होते ही हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सरसों डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। इसको 30-40 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे और ऊपर से ये तड़का को हम सब्जी में डाल देंगे। अच्छे से सारे चीजों को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बेसरा रेडी हो गया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसको घी अरना या कानी के साथ खाएं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा ग्रेटेड किया नारियल से इसको डेकोरेट कर देंगे और आप ये रेसिपी को जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पीनेस इज होममेड।